गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं रायपुर पार कर चुका हूं। रात भर मैं कंटिन्यू गाड़ी चलाया हूं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर रेस्ट करते हुए आधा एक घंटा, और कंटिन्यू गाड़ी चला के हम रायपुर पार करके अभी रुके हुए हैं। जस्ट ये एक होटल है, पहचान के लोग हैं। यहाँ से मैं अब निकलने वाला हूँ और मैं अभी टारगेट में हूँ, क्योंकि आज से छठ का पर्व जो है स्टार्ट है। तो आज का दिन जो है, कल नहाए खाए था और आज है खरना। तो आप सभी हमारे व्यूवर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और छठ व्रतियों को स्पेशली शुभकामनाएं। तो आज से जो है छठ पूजा स्टार्ट है, आज खरना है, कल संयोग परसों जो है समापन होगा। ये 3 दिन का पर्व होता है। तो चलिए हम भी कोशिश में लगे हैं, छठी मैया का कृपा है जो हमें कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाएं। जरूर पहुंच जाएंगे, छठी माँ का कृपा बनी रहे तो। और मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ और ये भैया, इनसे मिलने के लिए रुके थे। राधे राधे, जय श्री राम। छठ पूजा में जय जय होए, और बिल्कुल पहुँचेंगे और प्रसाद भी खाएंगे, हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जरूर भैया। दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं। अभी आप 24 घंटा गाड़ी चलाना पड़ेगा। खड़गपुर यहाँ से 700 किलोमीटर है और 700 किलोमीटर में 24 घंटा लग ही जाता है। तो चलिए अब अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। बाकी मुलाकात हो गया है भैया से। फ्रेंड्स अब निकलते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। जय हो छठी मैया। अब अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। कल सवेरे तक हमें खड़गपुर पहुँच जाना है और ये है गियर 1 नंबर। हमको अभी पूरा लेफ्ट साइड जाके यू टर्न मार के रोड के उस साइड जाना होगा। अभी हम सरायपाली चेक पोस्ट पहुंचने वाले हैं, बस यहां से 1 किलोमीटर आगे है और थोड़ी गाड़ी रोक दिया है। तो यहां पे है मार्केट, तो चलता हूं, फ्रूट लेंगे। क्यों, हम खाना नहीं खाए हैं, खाना नहीं खाएंगे, फ्रूट ही खा लेंगे। क्यों, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, खाना खाने को मन ही नहीं कर रहा है। देखते हैं, केला वगैरह ले लेंगे, एप्पल वप्पल, ये पास में है दुकान है। तो दोस्तों अभी हमने एप्पल ले लिया, 1/2 किलो एप्पल है, और ये काजू ले लेंगे, दीजिएगा तो ये एक इसी में डाल दीजिए। 140, ये कितना है, 180, 120। तो अब चलते हैं और इधर से तो छत्तीसगढ़ आप समझिए लगभग पार ही हो गए हैं। बॉर्डर पार करेंगे फिर आ जाएगा उड़ीसा चेक पोस्ट, तो वहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा। क्यों, आगे हमारा गाड़ी हाइट है और उड़ीसा में चेक इन रहता है दिन में, उड़ीसा में रात रात को ही गाड़ी चलती है। नहीं तो हाइट है, आरटीओ साहब मिल जाएंगे तो मार देंगे 20,000 का फाइन ऑनलाइन। तो चलिए देखेंगे, नहीं होगा तो रुक जाएंगे और 1-2 घंटा आराम कर लेंगे, जब लाइट जलेगा तो फिर निकल पड़ेंगे। चलते हैं, बॉर्डर में पहुंच गया है, अब लाइन बढ़ रहा है धीरे धीरे। चलते हैं पास करवाते हैं, तब तक एक सेव खाते हैं। यहां से हम पास करवा लिए, अब समझिए कि छत्तीसगढ़ खत्म ही होने वाला है। और 10-12 किलोमीटर नहीं, ज्यादा है, 15 किलोमीटर के लगभग है, तो उसके बाद उड़ीसा स्टार्ट हो जाएगा। अब उड़ीसा में पता कर लेंगे, अगर आरटीओ रोड में होगा तो फिर जाना ठीक नहीं है, गाड़ी पकड़ लेगा। अगर रोड में नहीं होगा तो फिर निकलेंगे, और नहीं तो रुक जाएंगे। दोस्तों अभी हम गाड़ी लगा दिए सोहिला बॉर्डर से पीछे, ये एक होटल है
और यहाँ पास में देखिए थोड़ा थाना भी है, वो थाना का बोर्ड लगा हुआ है सामने, दाहिने हाथ में वो थाना है। तो अभी यहीं रुक जाएंगे, अब यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो उड़ीसा का बॉर्डर आता है, और वहाँ से फिर आगे जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि चेकिंग है, सब टेलर गाड़ी खड़ा है, देख लीजिए अभी एक टेलर यहाँ पे खड़ा है। तो चेकिंग रहेगा तो टेलर गाड़ी जाते नहीं है क्योंकि टेलर गाड़ी का ज़्यादा रेट है, इनका माल निकला हुआ है, बैग है, देख लीजिए उनका पीछे माल निकला है। हम भी रुक जाते हैं, थके हुए हैं, एक दो घंटे आराम करते हैं, यहाँ से 6 बजे एकदम निकलेंगे, लाइट जब पूरा जल जाएगा तो। और अपेल था गाड़ी में, अपेल खा लिए, थोड़ा क्या बोलते हैं छुहाड़ा लिए थे दुबई वाला, ये है इसमें है छुहाड़ा, तो छुहाड़ा भी खा लिए हैं, अब आराम करते हैं पंखा चला के मस्त 2 घंटा, और मिलते हैं शाम को। शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं जग गया हूँ और मुंह हाथ देख के फ्रेश है, अब यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सोचे टायर वगैरह देख लेते हैं, और अभी हम जो है उड़ीसा के बॉर्डर पे है, और लगभग यहाँ से खड़गपुर अभी 550 किलोमीटर है, और हमें कल पहुँचना है। कल जो है आपको बता रहे हैं, कल जो है छठ पूजा है और हमारे घर में छठ पूजा हो रहा है, तो बड़ा खुशी का माहौल है, तो मैं भी आशा करता हूँ छठ माँ के आशीर्वाद से सवेरे तक हम भी पहुँच जाएंगे घर पे, तो बड़ी खुशियाँ होगी, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा देख लेते हैं बढ़िया से, ये यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे, और जय छठी मैया। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कल हम 10 बजे तक भी पहुंच जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, अब रात के 9 बजने वाले हैं और मैं पहुंच गया हूं बडरमा मंदिर, संबलपुर पार करके 30 किलोमीटर चले आए हैं, और यहां पे हमें यूरिया डालना है, यूरिया का बाल्टी अभी हम लोग खोल रहे हैं, एकदम गोल राउंड से काट दो। तो दोस्तों अभी हम यूरिया डाल रहे हैं और बाल्टी को पकड़े हैं, बहुत मतलब चलने वाला जुगाड़, देखिए बहुत मस्त जुगाड़ है, और साथ में मिल गए भाई, क्या लोड है आपके गाड़ी में? टमाटर है। ये भी पहले खड़गपुर के गाड़ी चलाते थे, चला रहे थे 2021-22 में ना, 20 में कोरोना के टाइम, कोरोना के पहले तो फंसे हुए थे, अभी ये लाइन गाड़ी चला रहे हैं, कच्चा माल की गाड़ी चला रहे हैं। तो यूरिया डाल लिए भाई लोग, अब यहाँ से निकलते हैं खड़गपुर। अभी भी यहाँ से खड़गपुर कितना किलोमीटर होगा? 400 किलोमीटर, 220 किलोमीटर यहाँ से खड़गपुर है। चलो 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 चलो, चाय दो चाय दो। और ड्राइवर के लाइफ में चाय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी काजीपानी घाट के नीचे पहुंच गए हैं, चाय पी लेते हैं, सुस्ती आ रहा है। उधर यहाँ से 55 है, वहाँ से 220 किलोमीटर खड़गपुर, लगभग 300 है अभी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है ब्लॉग के दूसरे दिन में। तो हम अभी बिसोही पहुंच गए हैं और ये है खालसा ढाबा मलकीत बाबू का। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी भी हमारा जो खड़गपुर का सफ़र है, यहाँ से 100 किलोमीटर है खड़गपुर। तो अभी सोचे यहाँ रुक के थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, फिर निकलते हैं। खड़गपुर जाने में 2-3 घंटा लगेगा और एक गाड़ी में काम भी निकल गया है, रात में गाड़ी का पट्टा टूट गया, मेन पट्टा। चलिए आपको दिखाते हैं,
इधर क्या है, थोड़ा रास्ता खराब है, कुहासा गिरा था, हमें दिखाई नहीं दिया और गाड़ी थोड़ा छलांग मार दी और पट्टा टूट गया। ये देख लीजिए पट्टा टूट गया, एकदम मेन पट्टा है, पहले से क्रेक था, वो ब्लैक जो दिख रहा है पट्टा क्रेक था। अरे ये सब होते रहता है गाड़ी घोड़ा में। अब इसको धीरे धीरे चलते हैं खड़गपुर, क्योंकि आज छठ है और छठ हमारे घर में भी हो रहा है, तो हमारे सब सब्सक्राइबर व्यूवर्स को बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई। तो चलिए हम भी अब यहाँ से निकलते हैं, धीरे धीरे गाड़ी को ले चलते हैं खड़गपुर और बाबू से मिलवाते हैं। हाँ जी बाबू नमस्कार, का हाल बा? ठीक बा ठीक बा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों अभी हम बांगड़ी भूसी घाट में हैं और यहाँ जाम लगा हुआ है, देख लीजिए धीरे धीरे करके लाइन बढ़ रहा है और लेट हो गया, हमको 10 बजे तक खड़गपुर पहुंचना था, अभी 10 बजने वाला है। पिछले 2 घंटा से हम इस जाम में हैं, अब क्या करें, जाम अक्सर एक घाट में, रास्ता खराब है, गाड़ी ब्रेक डाउन होता है और जाम लग गया। हेलो भैया बढ़ा लो नहीं तो पीछे से ओवरटेक मार देंगे। ये भी गाड़ी ब्रेक डाउन ही गाड़ी है, अच्छा हुआ है साइड कर दिया है, नहीं तो जाम ही लगता रोड पे। यहाँ पे गाड़ी देखिए एक्सीडेंट हो गई है, ये गाड़ी अंदर चली गई है। कितना स्पीड थी भाई गाड़ी घुस गई। यहाँ पे गाड़ी को रोक के एक एक साइड का लाइन छोड़ा जा रहा है, अगर एक एक साइड का ना छोड़े तो पूरे जाम हो जाएगा। इस तरीके से क्या है कि धीरे धीरे गाड़ी सब निकल जाती है। खाली के कोलकाता अभी खाली भरे हो, कहाँ का माल है? उड़ीसा। अच्छा चलो ठीक है। तो दोस्तों जाम में से निकल गए और खड़गपुर यहाँ से है 80 किलोमीटर, तो मेरे ख्याल से अब 2 घंटा लगेंगे और आज नो एंट्री भी लगेगा। बंगाल में आज तो छठ पूजा है, तो बंगाल में क्या है कि त्योहार के दिन में नो एंट्री, दिन में ही मतलब पूरे बंगाल नो एंट्री हो जाता है, तो बॉर्डर से ही गाड़ी रोक देंगे 12 या 1 बजे के बाद। अभी 11 बज रहे हैं तो कोशिश करते हैं पार हो जाए, पार हो जाए तो बच जाएंगे हम, खड़गपुर पहुँच जाएंगे। हम जामसोला बॉर्डर पहुंच गए, यहाँ से उड़ीसा एंड, अब झारखंड चालू होगा, तो झारखंड 16 किलोमीटर है, उसके बाद बंगाल चालू हो जाता है। ये देखिए ये है पहले जामसोला बॉर्डर, पहले यहाँ चेक पोस्ट था, अब ये देखिए जो मकान दिख रहा है ये पहले का चेक पोस्ट है, यहाँ कांटा होता था और फिर गाड़िया पास होती थी, बहुत जाम भी लगता था। चलते हैं यहाँ से, पहले बहरा घोड़ा पार करके बंगाल में ढूंढते हैं, बंगाल गेट में नो एंट्री का डर है, उससे बच जाएंगे तो हम खड़गपुर चल जाएंगे, और नहीं अगर गाड़ी फंसाए तो फिर जाएंगे खड़गपुर, लेकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो देखते हैं चलिए क्या होता है। और ये है सबरन रेखा रिवर, देख लीजिए बहुत गहराई है, बहुत खाई है यहाँ पे, इसका गहराई का लगभग 70-80 फुट है, और यहाँ से झारखंड और उड़ीसा का सीमा तय होता है। ये ब्रिज खत्म हो गया, अब यहाँ से झारखंड स्टार्ट हो गया। आज गाड़ी धुलाई करवाने को सोच रहे थे कि माने धुलाई करवा लेंगे, लेकिन जाम में फंस के सब उल्टा हो गया, अब गाड़ी नहीं धुलाई, गाड़ी धुलाई कराएंगे तो नो एंट्री में फंस जाएगी, कोशिश करते हैं कि बच जाए, मतलब हम पहुंच जाए खड़गपुर। हम बंगाल में घुस गए, 12:30 बजे गाड़ी रोकेंगे, जस्ट रोक रहे थे, लेकिन अभी 12:30 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो बढ़िया जगह का नाम है चिचिरा, पहले यहाँ भी गेट होता था सेल टैक्स गेट, ये गेट जो है जब GST लागू हुआ तो ये उठ गया, नहीं सामने वो गेट था, वो ऑफिस था सेल टैक्स का,
तो और एक जगह नो एंट्री वाले मिल सकते हैं। गाड़ी उछल गई बहुत जोर से। और एक जगह नो एंट्री वाले मिल सकते हैं बाली भाषा में। चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम बंगाल गेट चले आए हैं और यहाँ पे हमारा एंट्री लगेगा क्योंकि हमारा माल हाइट है और दूसरी गाड़ी को तो मैकेनिकल डंडा टैक्स बाहर की जो नंबर होता है उनको लगता है, हम लोगों का सिर्फ हाइट ही लगता है। तो चलिए एंट्री करा के आते हैं। पार्क करा लिए और यहाँ अब सामने लोधासुली जंगल स्टार्ट है। ये लोधासुली जंगल में ही है चेक पोस्ट, बंगाल का चेक पोस्ट है और बाहर नंबर गाड़ियों को मैकेनिकल कटाना पड़ता है, शायद मैकेनिकल 2000 का ऐसा कुछ कटता है और डंडा टैक्स लगता है अलग से साल का 7000। मतलब ये अदर स्टेट की गाड़ियों की, हम लोगों को तो टैक्स नहीं पैसा ले लेता है, इसलिए हम लोगों को कोई यहाँ पे झमेला नहीं है। सिर्फ हाइट होगा तो हाइट का एंट्री लगेगा, वही दे के आए हैं और जो काटा स्लिप होता है उसमें ठप्पा लगा दिया, हो गया। तो चलिए अब लोधासुली जंगल में घुस गए हैं। तो दिन के 1 बज चुके हैं और हम नो एंट्री में फंस गए हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं, देखिए ये यहाँ पे नो एंट्री लगाया गया है और ये जगह है गुप्तमणि, गाड़ी सब रोका गया है। तो ये गुप्तमणि में बैरिकेटिंग हुआ है। यहाँ से हमारा जो घर है निमपुरा बॉम्बे रोड माने 15 किलोमीटर है और 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन हम नो एंट्री में फंस गए। ऐसे साहब को बोले हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, मतलब हमारे घर में खुद छठ पूजा हो रहा है, सब लोगों का इंतजार है। तो बोले अच्छा ठीक है रुको छोड़ देंगे। तो देखते हैं, अगर छोड़े तो भी ठीक है, नहीं छोड़ेंगे तो गाड़ी यहीं लॉक करेंगे और बस पकड़ के चले जाएंगे, फिर शाम को जब नो एंट्री खुलेगा तो आ जाएंगे। तो देखिए अभी एक बार बात करते हैं, उसके बाद जो होगा दिखाए बताएंगे आपको। तो दोस्तों अभी तो गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, अब रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, बोल रहे अच्छा रुको रुको रुको, कुछ गाड़ी छोड़े भी, जैसे कि खड़गपुर का माल था जिनका एरन चलान देख के उनको छोड़ दिया। देखते हैं, हमारा तो माल आगे का है कलकत्ता पार करके, लेकिन महल का हमारा बात नहीं, हमारा है कि हमारे घर में छठ पूजा हो रहा है, हमें जाने दीजिए। यहाँ से निमपुरा 15 किलोमीटर है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम निमपुरा पहुँचने वाले हैं और भैया की गाड़ी से लिफ्ट लेके आ रहे हैं, हमारी तो गाड़ी वहाँ से छोड़े नहीं। तो चलिए अब निमपुरा पहुँच गए हैं और भैया भी निमपुरे में ही रहते हैं। निमपुरे में रहते हैं, कहाँ पे? वार्ड नंबर 13। शाम के 4 बज गए हैं और नहा धोवा के मैं भी फ्रेश हो गया हूँ घर पे आके, और हम लोग अब छठ घाट जाने के लिए तैयार हैं। दौरा भी हमारा रेडी है, देख लीजिए ये सूप है और ये है दौरा और बाकी यहाँ टुंडू मुंडू। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और चलते हैं अपना घाट पे। तो दौरा उठाओ उठाओ, लो चलो हट हट चलो लो। हाँ चलो लो। चलो चल
तो दोस्तों अब हम चलते हैं, घर जाने का हमारा टाइम हो गया, तो दौरा को वापस उठा। चलिए अब चलते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमें जाना पड़ेगा गाड़ी के पास। हम गाड़ी बाली भाषा में ही छोड़ के आए हैं। तो चलिए अभी तो यहाँ का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया, अब हम गाड़ी के पास चलते हैं। बस का अभी टाइम है, 7 बजे तक बस मिलेगी, तो गाड़ी पहले लेके आते हैं। चलिए आप लोग बने रहिए, बाकी सब कुछ बताएंगे आपको। गाड़ी के पास चले आए हैं और अभी तक तो गाड़ी छोड़ा नहीं है, और पूछे तो बोला थोड़ा देर में छोड़ देंगे, यानी 7 बजे के बाद छोड़ेंगे। तो देखिए कब तक छोड़ता है, अभी 7:45 हो रहे हैं और ज़्यादा गाड़ी भी नहीं है। एक आगे मेरी एक गाड़ी है, ये देखिए ये आगे एक गाड़ी है और बाकी पीछे एक दो गाड़ी है इस साइड, बाकी 5-7 गाड़ी है, उतना ही गाड़ी को रोक के रखे हैं। निकल चुके हैं 7:30 बजे, फाइनली गाड़ी जो है हमारी छोड़ दी है। तो अब चलते हैं खड़गपुर निमपुरा। अब दोस्तों अभी हम निमपुरा चले आए हैं और ये है निमपुरा बॉम्बे रोड, और अभी गाड़ी यहाँ पे लगा दिया है, वो रही हमारी गाड़ी, वो देखिए। तो अब यहीं पे लॉक वगैरह सब कर देते हैं, गाड़ी तो आज नहीं जाएगी हमारी, गाड़ी कल जाएगी खाली करने के लिए। अभी और एक बार छठ घाट जाना है सुबह में, तो चलिए घर में जब त्यौहार हो रहा है तो त्यौहार भी मनाते हैं, और गाड़ी को बढ़िया से लॉक कर देते हैं और फिर चलते हैं अभी घर। गाड़ी को लॉक कर लेते हैं, गाड़ी में 2 बाल्टी है वो भी लेके चलते हैं घर। हमारी 2 यूरिया का बाल्टी और चलते हैं घर। हमारी माता जी भी आई हैं तो थोड़ा गांव की बातें शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारा खाना हो गया और नॉर्मल ही खाना था, एकदम सादा खाना खाया जाता है, तो हमने खाया दूध और चूड़ा शक्कर डाल के, तो खाना हो गया। अब चलते हैं आराम करते हैं और फिर हम लोगों को 4 बजे जगना है घाट पे जाने के लिए। तो चलते हैं, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।